हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी स्टार्ट क्लास टेंथ में चैप्टर सेवन एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन बेटा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल क्वेश्चन नंबर एट फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी टू माइनस थ्री एंड क्यू टेन वाई इज टेन यूनिट्स बेटा आपको बोला गया है आपने वैल्यू निकालनी है किसकी वाई की और आपको ये भी बोला गया है आ, जो डिस्टेंस है हमारे पास पी और क्यू का वो है टेन यूनिट ठीक है बेटा तो इसी से बेटा हम क्या करेंगे इन दोनों का डिस्टेंस हमें दिया गया है टेन यूनिट और एक हम क्या करेंगे इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो उनको इक्वेट करके आप y की वैल्यू निकालेंगे ठीक है चलिए देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन गिवन हमें दिया गया है वो आपने लिखा और डिस्टेंस भी दिया गया है वो भी आपने राइट किया ठीक है तो अब हमें भी पता है कि जो डिस्टेंस है वो इस आ, उसका फार्मूला ये है आप लिखेंगे वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन पी क्यू वो है आपके पास एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्यर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्यर अब आपके पास पी के है टू माइनस थ्री एंड क्यू के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास टेन और वाई तो इसको ले लेंगे आप एक्स वन वाई वन इसको ले लेंगे एक्स टू वाई टू ठीक है बेटा तो चलिए आप वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे एक्स टू है आपके पास टेन टेन माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई टू आपके पास वाई है माइनस थ्री तो माइ प्लस हो जाएगा वो स्क्वायर कर लेंगे और डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू जो है वो आपको दिया गया है वो आप रखेंगे यहाँ पे टेन ठीक है बेटा तो चलिए अब आप क्या करेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं स्केयर रूट है बेटा तो हमें क्या करना है स्केयरिंग ऑन बोथ साइड तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड ठीक है ये क्यों कर रहे हैं हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारा इससे क्या होगा जो स्केयर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा ठीक है बेटा यहाँ पे आपने स्केयरिंग रखी स्केयरिंग रखी ये टेन माइनस जो टू है वो क्या हो जाएगा वो एट हो जाएगा आपके पास ठीक है एट का स्केयर और प्लस वाई प्लस थ्री का स्केयर अब यहाँ होल स्केयर आप करेंगे यहाँ पे तो स्केयर से स्केयर रूट आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ठीक है बेटा इसलिए हमने ये स्केयरिंग की थी टेन का स्केयर आपके पास हंड्रेड आ गया और यहाँ पे स्केयर रूट कट हो गया एट एटा सिक्सटी फोर प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ होगी ए प्लस बी का होल स्केयर वाली ए स्क्यर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी तो ये आप आइडेंटिटी यूज करेंगे वाई स्क्र ए है और ये बी है प्लस थ्री थ्री ज़ा नाइन एंड प्लस ए टू ए बी टू थ्री ज़ा सिक्स वाई ठीक है बेटा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे नंबर जो हैं वो आप इस तरफ लेके आएंगे राइट साइड लेफ्ट साइड पे हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर एंड माइनस नाइन ठीक है बेटा अब वाई स्केयर प्लस सिक्स वाई आप राइट साइड right रहने देंगे ठीक है बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी सेवन वाई प्लस सिक्स वाई तो यहाँ पे बेटा आप देख रहे हैं इस ट्वेंटी सेवन को आप इस साइड ले आएंगे वाई स्क्र प्लस सिक्स वाई माइनस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कौन सी इक्वेशन होगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यहाँ पे देखिए बेटा यहाँ पे होता है ए एक्स का स्क्वायर ठीक है प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो आप ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं ए और सी हमारे पास वन और मल्टीप्लाई में क्या है ट्वेंटी सेवन ठीक है तो हमारे पास आ गया ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन के आपने फैक्टर लेने हैं तो आपने इसके फैक्टर लिए आप देख रहे हैं थ्री से डिवाइड हो रहा है थ्री थ्री नाइनजा ट्वेंटी सेवन अगेन थ्री ठीक है बेटा तो फिर से थ्री आ जाएगा आपका ठीक है तो हमारे पास ये नंबर आ गए ठीक है ये फैक्टर आ गए इसके अब आप बीच वाला नंबर देख रहे हैं बी बी आपको क्या दिया गया है ये सिक्स तो आपको इन फैक्टर्स को ऐसे एडजस्ट करना है कि आपको क्या मिले सिक्स मिले तो थ्री थ्री इज आ नाइन और ये थ्री तो आप इसको प्लस माइनस करके हमारे पास सिक्स आना चाहिए तो आप नाइन में से थ्री सीधा माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सिक्स आ जाएगा तो इसी वे से आप इसको करेंगे सॉल्व तो आप आगे कर रहे हैं बेटा यहाँ पे हमारे पास आया वाई स्क्वायर सिक्स वाई की जगह आप लिखेंगे नाइन वाई माइनस थ्री वाई माइनस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो तो वाई हमारा इन दोनों में से कॉमन आ गया वाई प्लस नाइन एंड इसमें से हमारा माइनस थ्री कॉमन आ गया तो वाई प्लस हमारे पास नाइन आ गया इजिकल टू ज़ीरो अब हमने इसमें से और इसमें से कॉमन लेना ए ये वाई इसके साथ मल्टीप्लाई है माइनस थ्री इसके साथ तो वाई प्लस नाइन हमारा कॉमन आ गया अंदर बचा यहाँ पे वाई और यहाँ पे बचा है माइनस थ्री ओके बेटा तब तो आप वैल्यू निकालेंगे इसको इक्वेट करेंगे y प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये हमारे पास इस साइड गया पॉइंट तो हमारे पास माइनस नाइन हो गया और y इज इक्वल टू थ्री मतलब y की हमारे पास क्या आ गई टू वैल्यूज़ आ गई ओके okay, बेटा तो आप लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई है किसकी वाई की द वैल्यू ऑफ वाई आर थ्री एंड माइनस नाइन ओके थैंक यू